हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। यार आप देखते होंगे बेटा कि हर बीटेक का स्टूडेंट कहीं ना कहीं टेक्निकली प्रिपरेशन तो करता है किसी ना किसी एग्जाम के। जब उसे ये फील होता है कि यार मेरे से नहीं होगा तो वो फिर पीछे हट जाता है। लेकिन आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि एग्जाम क्यों नहीं निकलता है, लेकिन डेफिनेटली आई विल गाइड यू थ्रू 5 to 6 पॉइंट कि एग्जाम कैसे निकलेगा। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी फैकल्टी मेंबर है वो बहुत टेक्निकली साउंड होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, उन्हें उतार चढ़ाव वगैरह सब कुछ आना चाहिए, एक्सपर्ट फैकल्टी। तो आपको ऐसे फैकल्टी अपने सब्जेक्ट के लिए चुनने हैं। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी, कम से कम 8 to 9 आवर्स आपको लगभग 11 महीने तक लगातार देने हैं। ओके, उसी में आपकी क्लासेस होंगी प्लस सेल्फ स्टडी होगी। तीसरा पॉइंट, आपको बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। चौथा पॉइंट, आपको बढ़िया बुक्स फॉलो करनी है, मिनिमम 2 बुक्स फॉर ई सब्जेक्ट। ओके, मिनिमम 2 बुक्स फॉर ई सब्जेक्ट, और इंटरनेशनल बुक होंगी तो अच्छा होगा, नहीं अदरवाइज आईआईटीएंस राइटर तो हुई हो। और लास्ट पॉइंट, आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी हो, कम से कम 4-5 लोगों का ग्रुप हो जिसपे आप अपनी टेक्निकली पूरी बातें कर पाए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हम लोग प्रचंड बैच में एवरी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 6 PM।